बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ सेल्फ़ केयर पे बात करूँगी। सेल्फ़ केयर एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं डिटेल पे भी बात करना चाहती हूँ, स्पेशली सेल्फ़ केयर फॉर वुमेन। सबके लिए ज़रूरी है सेल्फ़ केयर, लेकिन औरतों के लिए भी ज़रूरी है। मैं क्योंकि मेरा चैनल जो है इससे रिलेटेड है, तो इस पर मैं बात करूँगी। लेकिन शुरू टॉपिक करने से पहले मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। और अब जो है मैं वीडियो की तरफ आती हूँ। तो सेल्फ़ केयर होती क्या है? अब देखें, बहुत सिंपल आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि बहुत सी ख़वातीन को नहीं पता होता, सेल्फ़ केयर जो है इट इज़ मीटिंग आवर नीड्स। जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे होते हैं ना, इसे कहते हैं सेल्फ़ केयर। ठीक है, तो सिंपल लफ्ज़ों में जब हम अपनी नीड्स को पूरा करते हैं, हम अपना ख्याल रखते हैं अपनी बॉडी का, अपने माइंड का, यू नो, इमोशनली हम अपने आप को सिक्योर और सेफ़ फील कर रहे होते हैं, फिज़िकली हम अपनी बॉडी की नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं, तो ये सेल्फ़ केयर होती है। सो सेल्फ़ केयर में आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान स्ट्रेस फेस करता है लाइफ में। तो अगर आप अपनी स्ट्रेस को सही तरह मैनेज कर रहे हैं, तो वो भी सेल्फ़ केयर में आता है। अगर आप एस्केप तो नहीं कर रहे सिचुएशन से, जोन आउट तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो नेगेटिवली आप जो है फेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करने का मतलब ये होता है आप प्रॉपरली डील करें सिचुएशन के साथ। सो नाउ कमिंग टू माई सिंपल एंड ईजी टिप्स फॉर सेल्फ़ केयर। ये सारी जो टिप्स हैं मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, अगर आप लोग यूज़ करेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, आई होप सो। सो टिप नंबर वन इज़ स्टार्ट माई डे विद अ पॉज। ठीक है, मैं अपने दिन का आगाज़ ऐसे नहीं करती कि जल्दी जल्दी में, ठीक है, क्योंकि अगर जल्दी में अगर आप अपने दिन का आगाज़ करेंगे, तो आप जो है स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। सो मेक श्योर कि आप फ़ौरन से उठ के फ़ोन को मत देखें, कोई ईमेल है, कोई मैसेज है, वो मत पढ़ें। ठीक है, कोई वर्क रिलेटेड है या किसी का भी मैसेज आया हुआ है, फ़ौरन टेक्नोलॉजी और फ़ोन से दूर रहें। सुबह सुबह आपने आगाज़ जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करना है, आपने आराम से जो है अपने डे का आगाज़ करना है। ओके, सो यस, सेकेंड टिप इज़ दैट यू आई ट्राई टू स्पेंड टाइम इन नेचर, एटलीस्ट स्पेंड 5 मिनट्स इन नेचर। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, रिलैक्सेस यू कम्प्लीटली। ओके, देन यू हैव, अगर आप टायर्ड फील करते हैं, ठीक है, कोई वर्क रिलेटेड टायर्डनेस है, घर में आप थक गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को ठीक करें। ट्राई टू स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स, यू नो, इन अ नाइट। Then what you can do is yoga. आप योगा कर सकते हैं, 5 मिनट्स का कर लें, 10 मिनट्स का कर लें, स्ट्रेचेस कर लें, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, ये आप पे है, लेकिन योगा जो है वो मुझे पर्सनली रिलैक्स करता है। स्ट्रेचेस मैं कर सकती हूँ, दिस इज़ यू नो वट सूट्स मी, ये रिलैक्सेशन के लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है गाइडेड मेडिटेशन मैं करती हूँ, डेली नहीं करती, लेकिन जब मैं स्ट्रेस्ड आउट फील कर रही होती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। गाइडेड मेडिटेशन में ये होता है कि आप कोई भी पॉजिटिव अफर्मेशन की मेडिटेशन ऑडियो सुन लें, ठीक है, 5 या 10 मिनट्स के लिए। उससे ये होता है कि आपका जो माइंड है वो एकदम से पॉजिटिव सोचें जो है वो सोचना शुरू कर देगा। अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन सुनेंगे, तो इससे ये होगा कि अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो एकदम से आपकी स्टेट जो है वो सिक्योर हो जाएगी, यू विल फील सेफ। ओके, देन द लास्ट वन इज़ के थोड़े देर के लिए दिन में आप आराम से बैठ जाएं विदाउट द फ़ोन, फ़ोन के बगैर आप बैठें, ठीक है, किसी से आप बात कर रहे हैं या आप वैसे ही बैठे हुए हैं, 5-10 मिनट्स के लिए फ़ोन को छोड़ दें। सो डिसकनेक्ट विद द फ़ोन एंड कनेक्ट विद योरसेल्फ। सो दीज आर माई ईजी एंड सिंपल टिप्स। मेक श्योर और मज़ीद वीडियोज़ सेल्फ़ केयर के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप अभी आपने नहीं किया।